हाय दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि इंक्लूड हाउ टू इंक्लूड सी एस एस कोड इन स्टाइल डॉट सी एस एस मेन फाइल में, जो सी एस एस की मेन फाइल है उसमें हम कैसे सी एस एस को इंक्लूड करेंगे। ओके, लेट्स गो। तो ये हमारी वेबसाइट है साइनी डॉट ऑनलाइन। ओके, इसको हमने ओपन कर लिया और यहाँ पर हम नीचे आ जाएंगे और नीचे आपको मिलेगा यहाँ फुटर सेक्शन में। फुटर सेक्शन में यहाँ पर ये जो एड्रेस है, ओके, एड्रेस का एरिया है, ईमेल का एरिया है, ये हाईलाइटेड नहीं दिखा रहा। ओके, तो इसको हम कैसे हाईलाइट करते हैं? ओके, यहाँ पर हमको सी एस एस को इंक्लूड करना। ओके, वो भी इंटरनल में, यानी कि जो थीम का सी एस एस है उसमें हम इंक्लूड करेंगे। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इसको इंस्पेक्ट करके हम देखेंगे कि ये कहाँ पर है फाइल, इसका लोकेशन, इसका पाथ क्या है। ओके, इसको हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पर आएंगे। ओके, इंस्पेक्ट पर आ गए और यहाँ पर ये सेलेक्टेड है अभी। वन सेकंड, इसको अनसेलेक्ट हमने कर दिया, इस तरीके का दिख रहा अभी, है ना। और यहाँ पर हम देखेंगे, अदरवाइज इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर के सेलेक्ट कर लेंगे इसको। ओके, इसको हमने सेलेक्ट किया और एक सेकंड, वापस से हम चलते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। ओके, एक सेकंड, यहाँ पर भी, यहाँ से भी आप लोकेशन को चूज कर सकते हैं। ओके, तो ये है, ये मेन फाइल है। ओके, और उसके नीचे है ये वाला टेक्स्ट विजिट। ओके, इस पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर आने के बाद, एक सेकंड, चलो हम इसी को देखते हैं। इसको हमने ले लिया पूरा कस्टम एचटीएमएल को। ओके, और इसको हम, इसका जो क्लास है, यानी कि जो क्या नाम है, आईडी बना हुआ, आईडी है ये हैश लगा हुआ है। ओके, तो इसका आईडी है क्लोफोन करके समथिंग। ओके, इसमें हम सीएसएस को इंक्लूड करेंगे तो कलर हम डालते हैं। ओके, कलर कोड हम क्या डालेंगे, वाइट कर देते हैं। ओके, सॉरी, कलर में हम वाइट कर देते हैं और ये काम नहीं किया बिकॉज हमारा करेक्ट पाथ नहीं। ओके, एक बार हम दोबारा चेक करते हैं। चलो हम एक सिंगल किसी फाइल को ले लेते हैं, मान लो हम अंबरनाथ जो लिखा है लोकेशन, इस पर हमने क्लिक किया। ओके, और यहाँ पर ऑलरेडी कलर दिया हुआ है, देखिए इसका जो पाथ है यही पाथ है। ओके, और यहाँ पर हमने कलर को चेंज कर देंगे, अदरवाइज इसको हम हटा देते हैं। कलर लिख दिया, ओके, और यहाँ पर वाइट लिख दिया। ओके, वाइट को हमने सेलेक्ट किया और ये देखिए पूरा कंप्लीटली जो है ये सी एस एस इंक्लूड हो गया। ओके, सी एस एस यहाँ पर लग गया इंस्पेक्ट में। ओके, ये हमारा लोकेशन मिल गया। अब क्या करेंगे कि इसका हम पाथ चेक करेंगे, पाथ कहाँ पर है, इसमें आप देखेंगे राइट साइड में स्टाइल डॉट सी एस एस, और यहाँ पर आपको मिलेगा इसका जो नंबर है, जो सीक्वेंस नंबर है वो 3468। ओके, यानी कि 3468 नंबर पर ये फाइल अवेलेबल है, वहाँ पर हमको चेंज करना है। ओके, लेट्स गो। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल है, बैकएंड है, और यहाँ पर डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में आ गए, एडमिन के डैशबोर्ड में आ गए, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। यहाँ पर आपको आना है अपीयरेंस में, अपीयरेंस के अंदर आने के बाद आपको मिलेगा एक ऑप्शन सबसे नीचे थीम फाइल एडिटर। ओके, थीम फाइल एडिटर के अंदर हम चलेंगे और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका नंबर है 3468। ओके, तो हम इसके अंदर में गए और यहाँ पर आप देखेंगे जो फर्स्ट वाली फाइल है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये सारे सब थीम के फाइलें हैं। ओके, सी एस एस, और सी एस एस है, जे एस है। ओके,
ओके, तो सबसे टॉप पर हमको मिल गया स्टाइल डॉट सी एस एस। ओके, और अब इसमें सर्च करना है। अब इधर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में आपका सीक्वेंस नंबर दे रहा है, लेफ्ट साइड में। अब अपने को चलना है कहाँ पर, 3468 नंबर पर। ओके, 3468 नंबर पर चलना है। ओके, तो हम यहाँ से भी डायरेक्टली चलते हैं ये। ओके, 3468। ओके, तो यहाँ पर आ गए 3468 में चलते हैं। देखिए 3468 नंबर पर ये वाली फाइल है। ओके, और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अनकमेंट कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। ओके, कमेंट करने के बाद हम इसको यहाँ पर हम कलर डालेंगे। ओके, वापस से कलर हम डाल देते हैं। डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हो आप वहाँ से, यहाँ से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, है ना, नो प्रॉब्लम यहाँ से। ओके, ये हमने कॉपी किया और ला करके यहाँ पर हमने पेस्ट मार दिया नीचे, यहाँ पर पेस्ट मारा, ये आ गया वाइट। अब इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, अदरवाइज कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, कमेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस क्वेश्चन वाला जो बटन है वो दोनों साथ में आप प्रेस करेंगे तो कमेंट हो जाएगा। ओके, यानी कि हाइड हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। ओके, ठीक है, इसको हमने डिलीट मार दिया। वैसे डिलीट मारने की जरूरत नहीं, आप कमेंट करिएगा, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन का बटन दोनों प्रेस करिएगा साथ में। ओके, और ये हमारा सी एस एस यहाँ पर लग गया। एक चीज़ और हम इंक्लूड कर सकते हैं, इन केस हमारा सी एस एस कभी कभी काम नहीं करता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर डाल देंगे, क्या डालेंगे, इसको हम जो एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन मार्क है इसको हम डाल देंगे, और उसके बाद इम्पॉर्टेंट भी लिख देंगे। ओके, ये हमने ऐड कर दिया। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे आपको अपडेट फाइल पर कर देना है क्लिक, और ये फाइल एडिटेड सक्सेसफुली हो गया। ओके, लेट्स गो। अब हम चलते हैं वहाँ पर देखते हैं। अब इसको हम एक बार, इसको हमने यहाँ से क्लोज किया, और एक बार हम रिफ्रेश करके देखेंगे कि हमारा सी एस एस आ गया कि नहीं, क्योंकि हमारा जो इंस्पेक्ट वाला ऑप्शन है वहाँ से केवल टेम्प्रोली केवल लुक आउट आप कर सकते हो, बट चेंज है केवल चेंज करते समय लुक आउट देख सकते हो, वो परमानेंट के लिए सेव नहीं होता वहाँ से। ओके, यहाँ पर हमने एक बार रिफ्रेश पर क्लिक कर दिया। ओके, अब हम चलते हैं देखते हैं, नहीं आया। ओके, बिकॉज कुछ और प्रॉब्लम है। ओके, चक्कर। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा कि हमने जो इंस्पेक्ट करके जो सी एस एस फाइल को लेकर आए थे और यहाँ पर हमने पेस्ट किया, ठीक है, दो दो जगह हो गया है, इसको हम एक को डिलीट मार दिया। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप देखेंगे कि इसको डालने के बाद भी हमारा सी एस एस नहीं इंक्लूड हो रहा। ओके, एक बार अपडेट कर देते हैं, एक बार अगेन देख लेते हैं, रिफ्रेश किया, नहीं आया। ओके, एक बार देख लेते हैं, देखिए। ओके, एक सेकंड, एक सेकंड, अभी पता चल जाएगा। ओके, आई थिंक, ओके, आई थिंक हमारा सी एस एस अभी काम कर गया थोड़ा सा डिले करके। ओके, यहाँ पर वर्क कर रहा है। ओके, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यदि यहाँ पर आपका वर्क नहीं करता है तो आपको क्या करना है, एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं। यदि यहाँ पर इंटरनल जो मेन फाइल है वहाँ पर वर्क नहीं करेगा, ओके, तो आपको आना होगा कस्टमाइज में, और कस्टमाइज में आने के बाद आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा एडिशनल सी एस एस। ओके, और उसके बाद यहाँ पर ऑलरेडी जो सी एस एस डले हुए हैं उसका आपका सी एस एस, उस सी एस एस को वहाँ पर इंक्लूड करेंगे तो नहीं लेगा। ओके, प्रॉब्लम आ सकता है, और उसके बाद आपको यहाँ पर आना होगा और यहाँ पर आकर के आपको पेस्ट कर देना है। ओके, जो हमारा कोड है ये, ठीक है, यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे तो 100% यहाँ से ये उठा लेगा सी एस एस को। ओके, ये तो नहीं उठाता है तो, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।